जा सकते हैं, आ नहीं सकते। छोटे बड़े बूढ़े और हमारी दीदी के आशीर्वाद भी अच्छे होंगे। और ये हमने अभी किया 7 बैंड्स जो हैं ऋषिकेश में जो रोड है उसमें 7 बैंड्स हैं और वो हमने अभी पार किया। और यहाँ से जो ऋषिकेश है वो है 9 किलोमीटर दूर। और आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जो है वो आरती अटेंड करने जा रहा हूँ ऋषिकेश में, जो कि होती है त्रिवेणी घाट में। और हमारे साथ जा रहे हैं सुनील भाई। हेलो, और यहाँ का नाम इस होटल के नाम पे है। ये जो होटल आपको पीछे दिखाई दे रहा है इसके नाम पे है 4 स्टार होटल। तो अभी हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी घाट में और ये कुछ यहाँ का नज़ारा। तो वीडियो को पूरी देखना और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर मैं मतलब पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन जो आरती है वो पहली बार अटेंड करूँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15 और आरती अभी 5 या 10 मिनट बाद स्टार्ट होने वाली है। ज़्यादातर लोग आसपास के जो होते हैं वो यहाँ पर सुकून की तलाश में आते हैं क्योंकि यहाँ पर खाली बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ योग नगरी में बिल्कुल दिल का सुकून लेने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर कोई माइंड से डिस्टर्ब भी है तो बिल्कुल ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के योग नगरी में आए और आरती को जरूर अटेंड करें। और हमारा वैसे कल ही शाम के टाइम प्लान बना कि भाई ऋषिकेश चलते हैं। और वैसे तो बहुत मतलब काफ़ी बार आ चुके हैं लेकिन जो आरती है वो कभी अटेंड नहीं की थी। तो ये पहला व्लॉग है और फर्स्ट नाइट व्लॉग होगा ये। पानी भाई बहुत ठंडा है और ये और वहाँ पीछे लोग नहा रहे हो। पानी भाई बहुत ठंडा। और ये पीछे पहाड़। और अभी थोड़ी देर बाद जो है आरती शुरू होगी तो हम जाएंगे। Oh,
पट्टी ही हो भाई पट्टी। तो भाई ये पहला मेरा नाइट व्लॉग था और मैं हूँ अभी ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में, और पीछे चल रही है मेरे यहाँ पर चल रही है आरती। यह है त्रिवेणी घाट और आरती अभी ख़त्म हुई। तो जो आरती में वहाँ पर खड़े होने में जो मज़ा आया और जो सुकून मिला वो काफ़ी अनोखा है, अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, यूनिक है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी ऋषिकेश आता है वो आरती ज़रूर अटेंड करे। ये हैं और ऋषिकेश की तंगलियाँ तंगलियाँ त्रिवेणी घाट की गलियाँ सुकून। दिन में आता ना तो अभी जा रहे हैं हम राम झूला लक्ष्मण झूला, और ये जो पीछे था ये था जानकी पुल। ये भी एक चोटी वाला करवल जा सकते हैं आ नहीं सकते मैं कहा जब चले जाएंगे तो पुल में थोड़ा ना रहेंगे पूरी रात। ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तो ये है भाई लक्ष्मण झूला जहाँ पर गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, और राम झूला में जो है वो स्कूटी अलाउड है थोड़ा बहुत। ये है राम झूला, ये पीछे है राम झूला, और ये मस्त यहाँ पर बैठने के लिए। अभी मैं यहीं पर ऋषिकेश के जस्ट मतलब नटराज से जस्ट पहले खड़ा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा भाई जो है वो सिलवट्टा ले रहे हैं, सिलवट्टा मतलब जिसमें वो मसाले जो हैं पीसे जाते थे गांव में पीसे जाते हैं, तो यहाँ पर जो कारीगर हैं वो बना के रखते हैं, और तो यहाँ पर उसको ले रहे हैं। और ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ मैं, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।